भारतीय संस्कृति में, रुको, भारतीय संस्कृति में संकल्प की बड़ी महत्ता है। सिद्धि तभी मिलेगी जब संकल्प हो आपके पास। तो ये शब्द तो आपने बड़ा अच्छा बोला यादव जी, सिद्धि वहीं पे है जहां पे संकल्प है। ये तो बात बिल्कुल मैं मान गया जी। जी अब चांद पे पांव जमाना है, वाह, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा चमकाना है, संकल्प यही दोहराना है। आज इसरो ने आदित्य L1 की भी घोषणा कर दी है। हाँ जी, ना ठहरा था ना ठहरेगा, ना ठहरा था ना ठहरेगा, ये नया भारत का चेहरा है। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो आपका आंकड़ा सही कर दूं, 1964 में मई के महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था और 1969 में इसरो का गठन हुआ था। और अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा यादव जी, कभी कभी होता है। 1969 में तो मैं भी बोला, मुंह से निकल गया। अरे बीजेपी के लोग जब और हम प्रश्न करते हैं तो यही करते हैं ये, तब मैदान छोड़ के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, अरे ठीक है यादव जी, नहीं ठीक है, मैं बीजेपी की नहीं भारत की बेटी हूँ, सुन लो पहले बात, पहले सुन लो। 70 में और 80 में जिस समय नेहरू जी के बच्चे राजीव गांधी, अब यादव जी आप पहलवानी कर रहे हो बस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब हवाई जहाजों में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कराते थे तो इसरो के साइंटिस्ट बैलगाड़ी में ये साधन लेके जाते थे। क्या फंडिंग थी? मैं बोलती हूँ आपकी बीवी को, आप बोलो कि मैडम आज शाही पनीर बना दीजिए और पनीर दो ना, और शाही पनीर बने ना, तो गलती किसकी है? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया? आज आपकी, मैं आपसे पूछती हूँ, जिस समय आपके कपड़े विदेश से ड्राई क्लीन होकर आते थे ना, तब इसरो के साइंटिस्ट जो है ना बैलगाड़ी जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? नमस्कार, एक मिनट रुको। नमस्कार, मैं वेद ठाकुर क्रांति धारा मेरठ से आप सब। हाँ, बड़े दिलों बाद आए आप जी। सुनिए एक बार, मैं सभी का ध्यान चाहता हूँ। यहाँ पे चंद्रयान की बात चल रही है, राजनीति अपनी जगह है, पता नहीं क्यों हो रही है, ये भी एक विषय का है। आज चंद्रयान हमारा मंगल पर है, वहां से वो कह क्या रहा होगा, मैं यहां से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। दो बंद पढ़ूंगा केवल, एक अपने चंद्रयान की सफलता का, एक अपने आक्रोश का, तब पढ़ता हूं, सुनिएगा क्या चंद्रयान वहां से कह रहा होगा। चंद्रयान चंद्रमा से, पृथ्वी नापी मंगल नापा, पृथ्वी नापी मंगल नापा, चांद बना अरमान मेरा। अंतिम पंक्ति पर एक एक आदमी ताली उठा दे तब पढ़ना चाहता हूं कि पृथ्वी नापी मंगल नापा, चांद बना अरमान मेरा, कहो गर्व से चंद्रयान है दुनिया में सम्मान मेरा, चांद की धरती से देखा तो चंद्रयान भी बोल उठा, चांद की धरती से देखा तो चंद्रयान भी बोल उठा, पूरी वसुधा में है सबसे प्यारा हिंदुस्तान। आ गया तुम्हारे अंदर भी जोश, हिंदुस्तान ये जोश। अरे मुझे लगा कि आज पता नहीं क्या बात है, तुम बड़े चुप चुप नजर, तबीयत ठीक है? तो दूसरा बंद सुनो, देखो क्या होता, तू उछल के ना अंदर आ जाओ तो देखना जी। दूसरा बंद रखता हूँ और इस शुभ अवसर पर, इस पावन अवसर पर मैं अपने गांव की माटी, गांव सिरहोल जिला इटावा को प्रणाम करके तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। और अब आपकी तालियों में घनत्व दुगना होना चाहिए जी। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अभी तलक जो बनी थी बाधा, हर बाधा को फाड़ दिया। द्वितीय प्रयास में जब हम विफल हुए तो पड़ोसी मुल्कों से और कुछ देशों से कुछ ट्वीट आए थे साहब, तब पढ़ना चाहता हूँ और याद रखिएगा, अपनी चेतना जगाइएगा। अभी तलक जो बनी थी बाधा, हर बाधा को फाड़ दिया, जो उपहास उड़ाते उनके मुंह पे थप्पड़ फाड़ दिया, जो उपहास उड़ाते उनके मुंह पर थप्पड़ ताड़ दिया। लोग तो केवल खुश होते हैं चांद को झंडे पर पाकर, लोग तो केवल खुश होते हैं चांद को झंडे पर पाकर, लेकिन हमने अपना झंडा चांद पे जाकर गाड़ दिया। कवि की कल्पना है, उस कल्पना में चांद भी है, लेकिन अब आगे कवि जी आगे क्या होगा कल्पना, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अब अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दृष्टांत आपने दिया, मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि कल्पना कहां तक पहुंची आपकी ये मैं जानता था, मैंने देख लिया जी। जनाबे
जी देखिए, इस डिबेट में शुरू से ये बार बार लोग, आज भी देखिए, 1962 जब देश हमारा आजाद हुआ तो फौजियों के पास 303 का बंदूक नहीं था। ऐसे माहौल में जब जवाहरलाल नेहरू ने इसरो पर, मतलब अपने चांद पर, और इन सोचिए कोशिश किया कि हमारा देश पाकिस्तान 70 साल में कुछ नहीं कर पाया, और हम भी उसके जब साथ जब आप भालू को बांधकर कुत्ते से लड़ाएंगे, भालू बेचारे भालू को बांध दिया रस्सी से और तो कुत्ता छोड़ दिए, और आपको सोच रहे हैं कि आप एक कोई अभियान भेज पाएंगे। कहने का आज भी जवाहरलाल नेहरू को ये लोग नहीं छोड़ रहे। नहीं नहीं नहीं, अरे वो पाइंट, देखिए मैं एक बात, मैं आपसे दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो पायनियर लीडर था, इसमें दो नहीं, और देश का प्रथम प्रधानमंत्री था, और आदर, पूरी बात सुनिए मेरी, जब मैं बोलूं तो सुन लीजिए, और आदर के पूर्ण योग्य था, पूर्ण योग्य, कहीं कोई रत्ती भर भी संचय नहीं, रत्ती भर भी संचय नहीं। जी अब अपनी बात कहिए। कोई जब देश पर कोई भी प्रधानमंत्री, 70 साल से हम यहां पहुंचे, आज मेट्रो बन रही, कभी मीटर गेज से ब्रॉड गेज बनाया, इंडियन रेलवे बनाया, पूरा फौज का इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, पूरे देश में अस्पताल बनाया, पूरे देश में कलेक्ट्रेट बनाया, पूरे देश में थाना और तहसील बनाया, ये कैसे खत्म कर देते हैं एक मिनट में? नहीं नहीं, कोई नहीं खत्म, बीजेपी रुको जी। प्रतीक जी, आज का विषय वाद विवाद से कहीं ऊपर है, तो एक बार भारत माता की जय बोल देंगे, भारत माता की जय। अब मैं आता हूँ, सबसे पहले सभी को धन्यवाद, उस साइंटिस्ट को नमन प्रणाम, श्रद्धापूर्वक प्रणाम। लेकिन कल जो ये राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि देश उससे चलता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछता हूँ, आपके घर में बच्चे पढ़ते होंगे, आपकी एजुकेशन कुछ और है, वो बोलते होंगे कि अरे भाई ढंग से पढ़ो, पापा पेंसिल घट गया है, थोड़ा पेंसिल देंगे क्या? आप सोचेंगे थोड़ा कटौती कर ले, बच्चा आगे पढ़ेगा तो समाज का नाम रोशन करेगा, घर का नाम रोशन करेगा। उसी प्रकार अगर देश में कोई योजना चलती है तो नेतृत्वकर्ता का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हम खुले दिल से मानते हैं कि नेहरू जी ने अच्छा कार्य किया था। जब 1969 में इसरो का गठन हुआ, इंदिरा जी की सरकार थी, और जब 2008 में चंद्रयान फर्स्ट हुआ तो एक बार भी मनमोहन सिंह का नाम नहीं ले रहे ये लोग अभी भी नेहरू बोल रहे हैं, हर वक्त अपने परिवार का नाम ले रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी बेचारे 10 साल दे दिए, उसका नाम नहीं लिया। और मेरी प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैं नेतृत्वकर्ता की बात क्यों कहता हूँ, क्योंकि पहले देश में कोई आपदा आता था तो हम डायरेक्टरी देखते थे, कौन सा देश हमारी मदद करेगा, पलटते थे। लेकिन आज हम अपने ऊपर डिपेंडेंसी देखते हैं कि हम इतने सक्षम हैं कि वैक्सीन बना सकते हैं कोरोना में और देश को मजबूत करते हैं।